नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में, जिसका शीर्षक है गौण प्राण व मुख्य प्राण। कुछ आलोचना हम कर चुके हैं पिछली तीन कड़ियों में, आइए हम एक बार फिर सुन लेते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को गौण और मुख्य प्राण के बारे में वो क्या कहते हैं। सूक्ष्म जो कुछ है विद्या का अधीन, सूक्ष्म को लेने के लिए हमारी अंदर का सहायता चाहिए। अंदर का सहायता क्या होता है? प्राण क्रिया क्या है? वायु का गोती, हाथ ये हिलता है, हम ऐसे करता है, इसको वायु का गोती। लेकिन ये प्राण है गौण प्राण, उसको पीछे में है, पश्चात में है मुख्य प्राण। मुख्य प्राण का साथ चैतन्य का बराबर संबंध है, वो पहले मालूम नहीं होता है, धीरे धीरे उसको अनुभूति मिलते है। प्रज्ञान पुरुष की कथनी रही, सूक्ष्म को लेने के लिए हमें अंदर की सहायता चाहिए। अंदर की सहायता क्या है? प्राण क्रिया है। प्राण क्रिया क्या है? न वायु की गति, हाथ हिलता है, इसे कहते हैं वायु की गति। लेकिन यह प्राण है गौण प्राण, इसके पीछे है, पश्चात में है मुख्य प्राण। मुख्य प्राण के साथ चैतन्य का बराबर संबंध है, यह पहले मालूम नहीं होता है, धीरे धीरे उसकी अनुभूति मिलती है। इसके बेसिस पे हम मुख्य प्राण और गौण प्राण पे काफ़ी बातें कर चुके हैं। जहाँ पे हमने पिछली कड़ी को छोड़ा था वो था, रूप है प्राण की निद्रित अवस्था, नाम है स्पंदित या स्वप्नावस्था, भाव है जागरण या विज्ञान, एवं बोध है महाजागरण या प्रज्ञान। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेके डिस्कस कर चुके हैं। आगे कहते हैं, भाव के माध्यम से चैतन्य का जागरण होता है व संप्रसारण होता है, एवं क्रमशः प्रसारित होता हुआ परिणाम में महाचैतन्य में या महाप्राण में परिणत होता है। ये खेल है स्वयं का स्वयं के साथ, महाप्राण का खेल है, खुद ही खुद को उतार के लेके जाके फिर वापस घुमा के खुद ही के अंदर ले आते हैं, जैसा कि ईश्वर करते हैं, जैसा कि ब्रह्म आत्मा पक्का मैं, पक्का मैं की वजह से हर चीज़ प्रकाशित होती है, वापस आके उसी पक्का मैं में लय हो जाती है। यह विराट विश्व आकाश वातास अग्नि जल मृत्तिका प्रभृति चिद रस में पुष्ट हैं, अर्थात चैतन्य शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। सब कुछ चैतन्य शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। पेड़ पौधों में प्राण है, वृक्षों से मिलता है अन्न वस्त्र व औषध, इसी कारण कृतज्ञता बोध से दैनंदिन पूजा व क्रिया कर्म उसका व्यवहार अपरिहार्य है, एब्सोल्यूटली एसेंशियल है। सर्व वस्तु में फैला हुआ है, सब मिलकर उसका बृहत रूप है, तब वह महाप्राण है। जब सब कुछ मिलके उसका बृहत रूप आता है तब वह महाप्राण कहलाता है। बृहत में अपने को परिपूर्ण रूप से सौंपा जाए तो अपना बृहत परिचय प्राप्त होता है। देखिए, अगेन सरेंडर की बात आ रही है, लेकिन एक साइंटिफिक एनालिसिस के माध्यम आ रही है। ये गौण प्राण अगर मुख्य प्राण पे खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे तो मुख्य प्राण उसको अपने में विलीन कर लेगा और ये गौण प्राण मुख्य प्राण बन जाएगा। वही बात यहाँ दोहराई जा रही है, बृहत में अपने को परिपूर्ण रूप से सौंपा जाए तो अपना बृहत परिचय प्राप्त होता है, अर्थात पूर्ण समर्पण द्वारा ही स्वरूप का परिचय मिलता है। चाहे इसको स्वरूप के एंगल में ले लीजिए, कच्चा मैं पक्का मैं को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दे, कच्चा मैं यूनिवर्सल मैं को, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, ईश्वर को समर्पण कर दे, आइदर वे ये बीचों बीच की जो स्थिति होती है जिसमें कच्चा मैं जिन चीज़ों के साथ डील करता है, जिनको कामना वासना के वशीभूत होकर पाने की छोड़ने की इत्यादि की कोशिश करता है, उन्हीं में सरेंडर्ड रहता है। जो पूर्ण है
उनको सरेंडर करने की बात सोचता नहीं है कच्चा मैं, इसीलिए दुख दर्द से निकल नहीं पाता है। लेकिन अगर सरेंडर कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ एज ईजी एज दैट। इतना सीधा रास्ता है कि हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग बहुत ही टेढ़े मेढ़े जलेबी प्रकार के रास्तों में चल के आदि हैं, सीधे रास्ते को समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसा कहते हैं ब्रह्मज्ञानी, ये हम सब पे लागू है, मेरे पे भी लागू है। मैं इन बातों को बारंबार दोहराता हूँ और अपना अध्याय खुद पाठ करता हूँ, खुद ही याद करता हूँ अपने आत्मस्वरूप को जब भी ये बातें आप लोगों के साथ करता हूँ। आगे कहते हैं, अर्थात पूर्ण समर्पण द्वारा ही स्वरूप का परिचय मिलता है। बृहत के पास समर्पण का अर्थ है बृहत को सर्वांतकरण से वरण करना, ग्रहण करना व मान कर मना कर चलना। ये एक संज्ञा प्रज्ञान पुरुष ने ऐसी दी है, हम इसकी चर्चा करते रहते हैं। मान कर और मना कर चलना, हर चीज को निज बोध में मान लो, अखंड ब्रह्म बोध में मान लो, क्योंकि हर चीज है उसी उन्हीं का प्रकाश। और ये मान कर अपने जीवन को चलाओ। तो मान कर और मना कर चलने का अर्थ यह हो गया कि मैं हर चीज को मानूं और ये मानते हुए अपने जीवन को जीऊं, तो मुझे और कुछ साधना अलग से तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक चीज मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आप लोगों को, जो उद्गत हुई प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के अंदर सरस्वती पूजा के दिन। सरस्वती पूजा के दिन को वाणी वंदना का दिन कहा जाता है। श्री पंचमी तिथि है, उस दिन उनका आविर्भाव हुआ था और वो ज्ञान की देवी है। तो उस दिन उन्होंने एक प्रवचन दिया था, उस प्रवचन का एक अंश है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो हमारे गौण और मुख्य प्राण से रिलेटेड है। कह रहे हैं, आज वाणी वंदना का दिन है, श्री पंचमी तिथि, ऋषियों का एक विराट आविष्कार है आज का दिन। अनंत महाकाल के बीच अनंत क्षण को पकड़ कर रखने की अपूर्व कुछ विज्ञान सम्मत पद्धति, नियम व धर्म उन्होंने आविष्कार किया। अक्सर लोग पूछ लेते हैं, आपको ऋषियों की बात कैसे पता है? तो वो कहते हैं, उस बात को रहने दो, जो कह रहा हूँ सुन लो, अगर अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। सर्वत पानीपादंग सर्वत शिशिर मुखम, अर्थात चैतन्य से एकीभूत इंसान के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कोई मायने नहीं रखता, इटर्नल टाइम होता है उनके वक्ष पर। सो टाइम का पैसेज, ये टाइम फैक्टर वहाँ ऑपरेट नहीं करता है। अब ये बात हमें माननी पड़ेगी, समझ में आएगी नहीं लेकिन माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हिसाब तो लेते नहीं थे कभी भी। आगे कहते हैं, इसके बीच अन्यतम है वाणी वंदना आज की ये श्री पंचमी तिथि का दिन। प्रकृत पक्ष में पूर्व में ये दिन था ज्येष्ठ तिथि, अर्थात ज्येष्ठ तिथि में प्राण की पूजा, ज्येष्ठ अर्थात प्राण, प्राण की पूजा, यही क्रमशः रूप ले बैठा पंच तत्व की पूजा में। पंच तत्व, पंच तत्व का हम जिक्र बहुत दफा कर चुके हैं, पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश व्योम, ये पंच तत्व से ये समस्त बाहरी जगत बना है, हमारा देह बना है, सारी चीजें बनी है थ्रू अ परमिटेशन कॉम्बिनेशन। ज्येष्ठी तिथि अर्थात ज्येष्ठी तिथि में प्राण की पूजा, यही क्रमशः रूप ले बैठा पंच तत्व की पूजा में। पंच तत्व अर्थात पंचभूत के साथ युक्त है हमारा प्राण और मन। हमारा प्राण और मन चूंकि पंचभूत के साथ युक्त है तो ये पंच तत्व की पूजा का आकार ले बैठा। इसी संधिक्षण में आकर ऋषि गणों ने आविष्कार किया श्री पंचमी तिथि का तात्पर्य। श्री है ज्येष्ठी अर्थात प्राण, एवं पंचमी है प्राण का पंच विभाग जिसके साथ युक्त है मन। प्राण के पंच विभाग हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान,
ये पांच किस्म से प्राण देह में ऑपरेट करता है हमारे, ये एक अलग चर्चा है, हम कर चुके हैं, लेकिन इसका विज्ञान अवेलेबल है, हम मिल सकता है हम लोगों को। तो ये जो पंच विभाग हैं और इसके साथ युक्त हैं मन, प्राण है अविद्या के पर्याय भुक्त एवं मन है विद्या के पर्याय भुक्त। मैंने कहा था आपसे कि ये जो मन और बुद्धि को लेके जो चर्चा है वो विद्या की चर्चा होती है, पिछली कड़ियों में हमने इसको डिस्कस किया था, उससे नीचे अविद्या की चर्चा होती है। विद्या की चर्चा मन बुद्धि द्वारा होती है, उसके अंदर इंद्रियों आदि का कोई काम नहीं रहता है, बाहरी जगत का भी कोई काम नहीं रहता है। प्राण की क्रिया बहिर प्रकृति के अंदर परिलक्षित होने के बावजूद अंतर में उसका एक अंश सक्रिय होता है, यह जड़ शक्ति के विशेष लक्षण है। इसमें चेतना का अंश सुप्त रहता है, इसलिए इसे गौण प्राण कहा जाता है। गौण प्राण के द्वारा समग्र प्रकृति राज्य गठित व नियंत्रित होता है। यह प्राण अभ्यंतर में मुख्य प्राण चेतना का अधिष्ठान है। यह प्राण अंदर जाके मुख्य प्राण के रूप में अधिष्ठान रूप में रहता है। अधिष्ठान व्यतीत कोई कुछ किसी भी चीज का अस्तित्व अवस्थान या क्रिया संभव नहीं है। अर्थात शक्ति सत्ता को केंद्र करके ही अभिव्यक्त होती है। सत्ता है चेतन आत्मा, शक्ति है उसकी प्रकृति और धर्म। तो देखिए किस रूप से वाणी वंदना के दिन में ऋषियों ने आविष्कार किया था प्राण, प्राण की पूजा। तो ये मन के अंदर प्राण जो सक्रिय है वो गौण प्राण है, और जो हमारे केंद्रीय जगत में है वो है मुख्य प्राण। तो हमारा जो ये एपिसोड है गौण प्राण और मुख्य प्राण, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारी प्रथा अनुसार आइए एक प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गत भजन सुनते हैं। सद्गुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का भजन राग जौनपुरी के आधार पर जो निर्भर है वो हम सुनने जाएंगे। इस भजन की बोल है, प्रेम से भज मन सच्चिदानंद घन, हरि 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 श्री हरि। श्री हरि वृंदावन चारी गोलोक विहारी श्री
गोपाल नंद दुलाला, नंद दुलाला, नंद दुलाला, जसोदा गोपाल चिकर काला बंशी वाला, कोष्ठ बिहारी हरि गिरि गोवर्धन बारी, प्रेम से भज मन सच्चिदानंद घन, हरि 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 श्री हरि। गोविंद मुकुंद आनंद मोहन, गोविंद मुकुंद आनंद मोहन, आनंद मोहन, आनंद मोहन, आनंद मोहन, आनंद मोहन, गोविंद मुकुंद आनंद मोहन, श्रीनाथ नारायण भक्त नारायण भक्त हृदि रंजन, बकासुर पुतना हर कालिया दमन जनादन, मधुसूदन कंस चाणूर मर्दन, दैत्य दानवारी सर्व दर्पहारी, प्रेम से भज मन, प्रेम से भज मन, प्रेम से भज मन, प्रेम से भज मन, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन, हरि 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 श्री हरि, हो प्रेम से भज मन। साधन दिव्य जीवन, साध्य साधन दिव्य जीवन, मुक्ति शांति कारण अमृत दिशारी, मुक्ति शांति कारण, मुक्ति शांति कारण, मुक्ति शांति कारण, मुक्ति शांति कारण अमृत दिशारी, ब्रज किशोर राई किशोरी राधा प्यारी, ब्रज किशोर राई किशोरी राधा प्यारी, प्रेम से भज मन, भज मन, भज मन, भज मन, भज मन, प्रेम से भज। राधा माधव राधा रमण, राधा 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 माधव राधा रमण, युगल मुरारी
लीला मधुबन में मधु लीला आनंद संचारी मधुबन में मधु लीला आनंद संचारी बलिहारी आनंद संचारी बलिहारी एक तत्व द्विधा सत्य सत्ता शक्ति द्विरूपधारी एक तत्व द्विधा सत्य तत्व द्विधा सत्य सत्ता शक्ति द्विरूपधारी परम युगल आनंद विभूल दिव्यानंद प्रेम माधुरी प्रेम से भज मन प्रेम से भज मन प्रेम से भज मन सच्चिदानंद गण हरि 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 श्री हरि भजो भाई हरि नाम सुखदाई प्रेम से भजो भाई भजो 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 भाई भजो 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 भाई भजो 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 भाई प्रेम से भजो भाई प्रेम से भजो भाई हरि नाम सुखदाई मधुर मधुर नाम अमृत अक्षर सुखदाई हरि 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 श्री हरि हरि श्री हरि।